इंदौर को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा, इंदौर को हमने 11 जोनों में बांटा है। हर एक जोन के लिए एक डेडिकेटेड टीम हमने अलग से लगाई है। इंदौर में हॉट स्पॉट अलग से हमने चिन्हित किए हैं, तय किए, उनको पहचान के उनकी व्यवस्था हम अलग से कर रहे हैं। सारी अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई वहाँ अमला कर रहा है शासकीय। इंदौर में हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड अस्पताल तय किया हुआ है। पेशेंट्स की संख्या देखते हुए अब केवल अरविंद अस्पताल नहीं, दूसरा एक अस्पताल और तय किया है। वहाँ के सारे होटल्स कई हमने बुक्स किए ताकि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस के मित्र अगर घर ना जाना चाहें वहीं रहें और पूरी मेहनत से काम करते रहें। डॉक्टर्स की टीम तैयार की है, ट्रेनिंग दे के हमने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, जिसमें ANM और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मिलित है, उनको भी लगाया है। केवल एलोपैथिक इलाज नहीं, उसके साथ साथ प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में आयुष की दवाइयाँ, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक बड़ी संख्या में वितरित करने का काम किया है। तो इलाज इंदौर में हमने पहले महामारी ना फैले बढ़े ना, इसलिए पूरे इंदौर को सील किया है। हॉट स्पॉट को अलग पहचाना है, इलाज की पर्याप्त व्यवस्था की है। सबसे पहले इलाके को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसका आइसोलेशन जहाँ संक्रमण है, और उसके बाद टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट। ये IITT ये हमारी रणनीति है और मुझे विश्वास है कि जल्दी इंदौर में भी इस महामारी को हम काबू में कर लेंगे।